नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के अंतर्गत हम भक्तिकालीन काव्य पुस्तक पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने चंबरदाई के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के उन पदों का अध्ययन किया, उनकी व्याख्या की, उनको समझा जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। पृथ्वीराज रासो को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि रासो का महाकाव्यत्व क्या है? क्या रासो एक महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है या नहीं? रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर के ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विवादग्रस्त हैं, जिस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रासो काव्य धारा में पृथ्वीराज रासो का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, बल्कि हम ये कहें कि कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास का और राम भक्ति धारा में रामचरितमानस का या तुलसीदास का जो स्थान है, वही स्थान रासो काव्य धारा में चंबरदाई या पृथ्वीराज रासो का है। चंबरदाई ने अपनी कवि प्रतिभा का जो चित्रण, जो समायोजन पृथ्वीराज रासो में किया है, वह अद्वितीय है। बल्कि हम कहें कि रासो काव्य धारा में पृथ्वीराज रासो एक ऐसे सूर्य के समान है जो सबको ही अपना प्रकाश बांट रहा है, अनवरत बांट रहा है। वीर और श्रृंगार का इतना सुंदर समन्वय और कहीं दुर्लभ है। युद्ध का जो चित्रण किया गया है वो भी बहुत सजीव और सार्थक चित्रण है, और यही कारण है कि चाहे इसकी प्रामाणिकता को लेकर के मतभेद लगातार बने हुए हैं, फिर भी यह समस्त भेदभावों से ऊपर उठकर आज भी एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य की श्रेणी में ही गिना जाता है। रासो के महाकाव्यत्व को समझने के लिए रासो से हमारा अभिप्राय पृथ्वीराज रासो से है, उसको समझने से पहले हम महाकाव्य के स्वरूप को, उसके भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। संस्कृत आचार्यों ने महाकाव्य के स्वरूप पर विस्तार से विचार किया, जैसे कि विश्वनाथ, जो आचार्य विश्वनाथ हैं, उन्होंने साहित्य दर्पण में कहा कि सर्गबद्ध रचना को ही महाकाव्य कहा जाता है। इसमें एक नायक होता है, वह नायक या तो कोई देव विशेष होता है अथवा किसी प्रख्यात राजवंश का होता है। वह धीरोदत्त नायक के गुणों से समन्वित होता है। किसी किसी महाकाव्य में एक राजवंश में उत्पन्न अनेक कुलीन राजाओं का भी चरितांकन किया जाता है। दलपति विजय का खुमान रासो काव्य श्रृंगार वीर शांत में से एक रस अंगी होता है, अन्य रस गौण रूप में विद्यमान है। और महाकाव्य में जो कथानक है वो क्या तो ऐतिहासिक होगा या सज्जनाश्रित होगा या फिर किसी प्रख्यात महापुरुष से संबद्ध होना चाहिए। इसका जो प्रारंभ है वो नमस्कार परक हो, आशीर्वादात्मक हो या निर्देशात्मक होना चाहिए। आरंभ में ही खलों की निंदा और सज्जनों की स्तुति होनी चाहिए। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग हो। कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, जो न तो बहुत छोटे हों और न बहुत बड़े हों। किसी किसी महाकाव्य में सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग भी देखा गया है। इसके अलावा संध्या, सूर्य, चंद्र, प्रभात, अंधकार, प्रातःकाल, पर्वत, ऋतु, जन्मोत्सव, मुनि, नगर, इनका भी सांगोपांग चित्रण किया गया हो। नामकरण कवि के नाम पर, कथानक के नाम पर या किसी अन्य आधार पर होना चाहिए।
ये तो था भारतीय दृष्टिकोण। अगर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण को देखें तो हमें कि पाश्चात्य दृष्टिकोण में अरस्तु सबसे पहले है, जिन्होंने कोई प्रत्यक्ष परिभाषा तो नहीं दी पर उनके वाक्यांशों के द्वारा यह निष्कर्ष निकल कर के आया कि अरस्तु मानते थे कि महाकाव्य का रूप समाख्यानात्मक होना चाहिए, उच्चतर चरित्रों का वर्णन होना चाहिए, आकार विशाल और विस्तृत होना चाहिए और वस्तु संगठन में घनत्व और गरिमा होनी चाहिए। अब भारतीय और पाश्चात्य दोनों के समन्वय के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाकाव्य का कथानक उदात्त होना चाहिए, नायक महान होना चाहिए और उसमें परिपाक औदात्य पूर्ण होना चाहिए और वो अपना कोई एक संदेश भी देना चाहिए और वो संदेश महान होना चाहिए और उसकी शैली गरिमा में होनी चाहिए। जो महाकाव्य के अंग हैं कथानक, नायक, रस, उद्देश्य, शैली, इन सब का ध्यान महाकाव्य में होना चाहिए। पृथ्वीराज रासो के महाकाव्यत्व की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आता है सर्गबद्धता। महाकाव्य के लिए सर्गों का बंधन जरूरी है। पृथ्वीराज रासो का विभाजन भी समयों में किया गया है, इसमें कुल 69 समय है और ये समय का अर्थ सर्ग ही होता है। दूसरा है नायक। पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है और यह धीरोदात कोटि का नायक तो नहीं है, फिर भी सामान्य और प्राचीन क्षत्रिय नायक के सभी गुण इसमें विद्यमान है और यह एक सफल नायक कहा जा सकता है। रस की अगर बात करें तो पृथ्वीराज रासो में अंगीरस तो वीर है किंतु श्रृंगार रस का भी पर्याप्त वर्णन है और इतना अधिक वर्णन है कि श्रृंगार रस और वीर रस में यह अंतर ही नहीं कर पाते, मतलब यह बता ही नहीं पाते कि दोनों में से पृथ्वीराज रासों में महत्वपूर्ण रस कौन सा है, दोनों लगभग साथ साथ चलते हैं। नाट्य संधि की करें तो इसमें कथानक में नाटक की सभी ध्वनियों का सफलतापूर्वक योजना हुई है। कथानक पृथ्वीराज रासों का जो मूल कथ्य और कथानक है वो ऐतिहासिक है पर उसमें कल्पना का भी पूरी तरह समावेश किया गया है और इसीलिए इसकी ऐतिहासिकता को लेकर के विद्वजनों में एक मतभेद और द्वंद्व चलता रहता है। पृथ्वीराज रासो में धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष चारों में मोक्ष को साध्य माना गया है। कहा भी है पवी स्वरथ अरुधम्य काय निर्माण मोक्ष पावई साध्य। प्रारंभ में मंगलाचरण है और अंत में भी मंगलाचरण की योजना है। सज्जनों की इसमें स्तुति भी की गई है। इसके अलावा आप रात्रि है, दिन है, प्रातः, साय, वन, सरोवर सभी कुछ इसके अंदर विद्यमान है। पृथ्वीराज रासो को हम सामंती सभ्यता का महाकाव्य भी कह सकते हैं। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो में वे सभी गुण विद्वान हैं जो किसी सफल महाकाव्य में होने चाहिए लेकिन लोग जो हैं वो इसकी प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता, ऐतिहासिकता, कल्पना इनके चक्कर में पड़ करके ही रह गए हैं, इसकी रसात्मकता की ओर ध्यान कम गया। इतने सारे विशेषताओं के होने के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला महाकाव्य कहा है।
पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता के संदर्भ में भी हम थोड़ा बहुत जान लें कि तीन तरह के विद्वान या तीन तरह के वर्ग बने, कुछ इसे प्रमाणिक, कुछ अप्रमाणिक और कुछ विद्वान अर्ध प्रमाणिक इसे मानते हैं। जो अप्रमाणिक मानते हैं उनमें कवि श्यामलदास, कविराज मुरारीदान, पंडित गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर भुल्लर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। और इन लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि रासो में जो घटनाएं दी गई हैं वो सही नहीं है, न पात्रों के नाम ठीक हैं और न ही उनका समय। जैसे कि संयोगिता संवर की घटना को ये काल्पनिक मानते हैं, परमार, चालुक्य, चौहान, अग्निवंशी राजपूत माने गए हैं, जबकि प्राचीन ग्रंथों में इन्हें सूर्यवंशी कहा गया है। रासो में पृथ्वीराज से 36 वर्ष तक की आयु में 11 विवाहों को बताया गया है, जबकि इतिहास में तो वो 30 वर्ष तक ही जीवित रहे थे, तो फिर इतने विवाह कैसे कर पाए। पृथ्वीराज के द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास विरोधी है। और पृथ्वीराज से संबंधित अनेक घटनाएं, जैसे उसका गोद लिया जाना, मेवाती मुगल युद्ध, संयोगिता स्वयंवर, ये सब इतिहास विरुद्ध ही बताया गया है। जो इसे प्रामाणिक मानते हैं उस वर्ग के प्रमुख विद्वान हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और मोतीलाल मीनारिया। इनका मानना है कि पृथ्वीराज रासो एक प्रामाणिक रचना है, वह न तो जाली ग्रंथ है और न ही अनैतिहासिक। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रासो की अशुद्ध वंशावली का यह विस्तार पूर्वक बीकानेर की लघुतम प्रति में नहीं है। रासो की जो काल वैषम्य का निराकरण करते हुए मोहनलाल विष्णुलाल पांडा ने एक आनंद संवत की कल्पना कर दी। उन्होंने कहा कि रासो में जो दी गई तिथियां हैं वो ऐतिहासिक तिथियों में 90 वर्ष का अंतर बैठता है और उसका कारण ये आनंद संवत है। रासो की भाषा संबंधी अव्यवस्था का भी समाधान किया गया और इन विद्वानों ने कहा कि 7वीं सदी के आसपास से सिंध और उसके बाद पंजाब पर मुसलमानों के आक्रमण होने आरंभ हो गए और स्वयं चंद भी लाहौर के ही निवासी थे, इसीलिए उनकी भाषा में फिर अरबी फारसी के शब्द भी आ गए। तो चंद की भाषा में या पृथ्वीराज रासो की भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का आना, उसका कारण यही हुआ कि मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हो गए थे। एक जो वर्ग है वो अर्ध प्रमाणित मानने वालों का है। इस वर्ग के प्रमुख विद्वान डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय, अगरचंद नाहटा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस वर्ग की मान्यता है कि पृथ्वीराज के दरबार में चंद नामक कवि अवश्य था और उसने पृथ्वीराज रासो की रचना भी की, परंतु आज जो हमें उपलब्ध होता है वह मूल रूप में हमें उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि रासो का काव्य रूप 10वीं शताब्दी के साहित्य के रूप से समानता रखता है। इसकी संवाद प्रवृत्ति कीर्ति पताका और संदेश रासक से साम्य रखती है। इसमें सभी प्राचीन कथानक रूढ़ियों का सुंदर निर्वाह हुआ है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। द्विवेदी जी ने अनेक प्रसंग भी गिनाए हैं जो भाषा, प्रवृत्ति, ऐतिहासिकता सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करते हैं। इस प्रकार आज हमने पृथ्वीराज रासो के महाकाव्यत्व और उसकी प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता को लेकर के विचार किया। अब
के जो विभिन्न रूपांतर हैं उनको लेकर के हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।